आज का हमारा टॉपिक है आक्रामकता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ अग्रेशन। नाउ लेट अस स्टार्ट। पहले बात करेंगे भारतीय साहित्य के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद इंडियन ट्रेडिशनल लिटरेचर, भारतीय साहित्य में इस रोकथाम के नियम कैसे किस तरह से उसके बताए गए हैं, कौन कौन से ऐसे काम है जिनके माध्यम से अगर हम उनका प्रैक्टिस करें, उनका अभ्यास करें, तो व्यक्ति में आक्रामकता कम हो सकती है, उसको रोका जा सकता है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं कर्म के नियम की। ठीक है, कर्म का नियम क्या कहता है? कर्म का नियम तो ये कहता है कि आप जैसा भी कर्म करोगे यू विल गेट द सिमिलर रिजल्ट। अगर आप किसी के साथ अग्रेसिव बिहेवियर करोगे, आक्रामक व्यवहार करोगे, तो उसका जो परिणाम आएगा हमारे पास, रिफ्लेक्शन आएगा, दैट विल आल्सो बी अग्रेसिव। उसका स्टाइल बदल सकता है समटाइम्स, यानी कोई बड़ा व्यक्ति छोटे बच्चे के प्रति अग्रेसिव बिहेवियर करता है, उसको थप्पड़ मार दे या उसको डांट दे, तो बच्चा भी उसको थप्पड़ नहीं मारता, डांटता नहीं, उसके बदले में उसको आंखें निकालेगा या चिल्ला के भाग जाएगा। देखा ना आपने कभी, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ अग्रेसिव। एक तो बात उन्होंने ये बताई है कर्म का नियम का, दूसरी बात उन्होंने बताई है इंद्रियों की संतुष्टि की प्रक्रिया। ये क्या चीज होती है, मैंने आपको बताया था कि हमारी पांच मेजर ज्ञानेंद्रियां इंद्रियां होती है, हम सबको पता है वी हैव फाइव सेंसेस, आउट ऑफ दिस सेंसेस हम कहते हैं कि ये इंद्रियां अगर हमारी, इनकी एक खास बात होती है, कुएं जैसी होती है हमारी इंद्रियां, कुआ समझते हैं कैसे, कि उसमें जितना डालते जाओगे ना भर गई। सिमिलर इज योर सेंसेस, ये सेंसेस इनकी इंद्रियों खास बात यह है कि अगर हम जितनी ज्यादा इनकी संतुष्टि हम कोशिश करते रहते हैं, इनमें उतनी ही भूख बढ़ती रहती है। आप समझे, अब आप यहां पर मैंने उसने बताया था, आप लोगों को सुनकर सी फिल्म देख ली, आप देखते रहे बहुत देर तक, फिर क्या हुआ, चल दिया, चलते चलते फिर आप लोग देखा एक बार आगे वहां तक चले गए, जब तक आप पहुंचे तो वो जल्दी हो जाएगी वो चीज, आप देखते रहते हो। देखो दैट डिजायर आंतरिक आते हैं, उसी में कहते हैं कि इंद्रियों की संतुष्टि की प्रक्रिया में उसकी इच्छा को और बढ़ाती जाती है, और जिसके कारण से व्यक्ति कहते हैं कुंठा उत्पन्न होती है, उस चीज को पाने की कोशिश करता है, और कुंठा उत्पन्न होती है तो आक्रामक व्यवहार से होता है। तो उसको बचने के लिए क्या करना है कि जो इंद्रियों की संतुष्टि की जो प्रक्रिया है इसको कम करना है। बात नहीं होगी, एक और इसमें देखेंगे कि ये जो इंद्रियों की संतुष्टि के साथ साथ जो आक्रामक व्यवहार है, एग्रेसिव बिहेवियर है, ये अगर हम किसी एक व्यक्ति के प्रति करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो मैं बताता हूं हमारे जो साहित्य ये कहता है कि एक व्यक्ति के साथ साथ इट हैव रिपल इफेक्ट्स। रिपल इफेक्ट समझते हो ना, किस तरह से पानी के अंदर अगर हम पत्थर डाल देते हैं तो वो छोटी छोटी कुछ लहरें टाइम दिखाई देती है हमारे, और फैलती जाती है। तो यहां पर एक बात, अगर एक व्यक्ति के प्रति हमने किसी को नुकसान पहुंचाया तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से हम पूरे समाज को नुकसान नहीं है। ये ग्रंथ है और अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ है, इसको कोई पढ़ सकता है, कोई अपने साथ रख सकता है। ठीक, उसमें क्या बताते हैं कि 17वें जो श्लोक है अध्याय नंबर 6, उसमें क्या बता रहे हैं कि इसमें वो ये बताता है कि सही समय पर उचित आहार, ये आपको पता है सबको, असल करनी होती है ना। ठीक, लेकिन ये वजह से कम हो रहा है बच्चों, हम गलत समय पर गलत आहार लेते हैं, खाते ना गलत आहार, चाउमीन बर्गर, आजकल तो चाउमीन का समोसा भी आ गया, जैसे उसको तोड़ो जैसे वो निकलते चाउमीन कीड़े से निकलते ना, जैसे केचुए निकलते, आप बड़े चाव से खाते। देखो हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में हमें क्या सिखाया गया है कि हम बाहर से खाना खाते हैं, खाते वक्त इतना बड़ा टुक नहीं लेना कि आधा तोड़ के देखा, लेकिन जो हमारी संस्कृति से अपोजिट हमें सिखाया जाता है, पिज्जा लो आप काट के नहीं खाना पूरे से खाना, और लार में टपकती रहती है उसकी चीज की, फिर चाउमिन खाओ जब चम्मच से ले गए वो यहाँ गिर गया, कोई यहाँ गिर गया, कीड़े की तरह है ना, देखो अंतर ही देखो, यानी सही समय पर उचित आहार, दूसरा देखो सही व्यवहार, मनोवैज्ञानिक तो सारे नहीं करते, और तीसरा पॉइंट न तो अत्यधिक नींद और न ही अत्यधिक जागना। और विद्यार्थी जो है कई बार ऐसे अत्यंत करते हैं, क्या करते हैं एग्जाम जब टाइम आएगा पूरी रात पढ़ेंगे,
लोग अपना रोज योग करता हूँ, किसी कोई साधे योग कर रहा हूँ, एक काम उठाकर रोक कर ये योग, फिर दो बार ऐसे कर लिया, फिर चाय पी लिया, एक बार पढ़ लिया, फिर योग, ये योग नहीं है। ठीक है, अपने मन की संतुष्टि के लिए तो योग करते हैं। योग का मतलब यहाँ पर अच्छा पहले नहीं बताओ मुझे, सभी को योग का मतलब पता है? योग में जोड़ना, जोड़ना, योग पहले बता दे आपने बचपन में किया हुआ, योग फल निकालो, निकाला योग फल आपने, वही योग की बात है। लेकिन यहाँ पर किसको जोड़ना है? आपके जो सेल्फ है, आत्म है, आपके आत्म का उस ताकत से जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है उसके साथ जोड़ना, उसके साथ मिलन, जिसके हमारी आम भाषा में कहते हैं आत्मा का परमात्मा से योग। ये बात है, सारे आसन करना, प्राणायाम करना, ये सब आदि ध्यान सारा वही उसी के एक ही प्रक्रिया है। उस ताकत, उस पावर जो इस पूरे ब्रह्मांड को देख रही है, इसको चला रही है, उसके साथ जोड़ना, वो योग है। तो ऋषि पतंजलि ने बताया हमारे पास कि योग एक प्रक्रिया है, एक शरीर विज्ञान है, एक शरीर और मन की एक दवा है। उसके आठ हिस्से होते हैं जिसको अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग, यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, हो गया। हाँ, ये आठ अष्टांग योग उसकी बात करें गीता। ये वाला जो आजकल जो पाखंडी लोग सिखाते बोलते ना, इसी योग की बात नहीं कर रहे। आगे एक और आपके पॉइंट है, कर्तव्य का समय पर निर्वहन। जब आपकी जिम्मेदारी है उसी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाना। ठीक, ये अगर ये श्लोक जो है ना, ये पूरा जो श्लोक है, मैंने संस्कृत वाला श्लोक यहाँ लिखा है, जो ये श्लोक है ये बताता है कि ये काम अगर ये काम हम करेंगे तो क्या होता है, मनोवैज्ञानिक विकारों के साथ साथ कुंठा और आकर्षण मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। हमें जरूरत ही नहीं मानते हैं, एक श्लोक ये आपकी पूरी गाड़ी बना देता है कि हाउ टू कंट्रोल अग्रेसन, अग्रेसिव बिहेवियर को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन आ रही है सारी संगठनात्मक तकसीम, खेलों के माध्यम से शराब को, ये सारी चीजें जो हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए जैविक हस्तक्षेप, जैविक मतलब बायोलॉजिकल, क्या होता है बायोलॉजिकल हस्तक्षेप का मतलब इंटरवेंशन। इसमें हम दो चीजों की बात करें मुख्य रूप से। यहाँ पर सबसे पहली बात होगी हमारी यहाँ पर सेरोटोनिन की, किसकी, सेरोटोनिन की, और दूसरी बात होगी हमारी टेस्टोस्टेरोन। सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरोन दोनों के दोनों हमारे शरीर में दो रसायन पाए। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जबकि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है। इसमें बहुत ज्यादा इसमें निकलेंगे, मैंने पहले वेस्ट इसको किया हुआ है। सेरोटोनिन एक ऐसी चीज है जो आपके भूख, भावना और संज्ञानात्मक कार्यों को, जबकि ये आपका टेस्टोस्टेरोन आपके कामोत्तेजना, संज्ञानात्मक यानी सेक्सुअल डिजायर और भाषा शब्दों को कंट्रोल करता है, उसमें अंतर हो गया। यानी कि अब इसकी एक बात बताता हूं कि सेरोटोनिन अगर व्यक्ति के शरीर में बढ़ जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली अग्रेशन आक्रमकता कम हो जाएगी। और टेस्टोस्टेरोन जिसको मेन हार्मोन भी कहा जाता है, अगर ये घट जाए तो आक्रामकता भी कम हो जाएगी। उल्टा भी होता है, जो आदमी अग्रेसिव होता है, जो आदमी ज्यादा आक्रामक होता है, अगर उसको पकड़ के लैब में ले जाए वहां पर नापे उसमें, तो टेस्टोस्टेरोन उससे ज्यादा पाएगा। ठीक है, और आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में है, आक्रामक है, और पीछे से एक इंजेक्शन लगा होता है कि टेस्टोस्टेरोन कम कर देगा, तो आप देगा थोड़ी थोड़ी देर गुस्सा तो कर जाता है, लग जाएगा। ये क्या होता है, रेड ट्रांसमीटर्स, ये जो है हमारे दोनों रसायन आक्रामक व्यवहार को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण है। ये थे आपके जैविक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कैथार्सिस। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में, आपने देखा होगा साइकोलॉजी की पर्सनालिटी में। ये किसने दिया था, हमारे मन में हर रोज, हर समय और हर पल कुछ ऐसे विचार जन्म लेते रहते हैं जिसको हम किसी के सामने कह नहीं सकते। अगर हमने कह दिया तो बताओ फिट जाएगा, ऐसा होते ना। और जब ये विचार एक बार जन्म ले लेते हैं तो ऐसा नहीं कि विचार खत्म हो गए, ये विचार आपके मन में इंप्रेस्ड रहते हैं, हमको दबा देते हैं।
जब ये दबते जाएंगे ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होता है, यही बात बताते हैं कि दे क्रिएट सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, हमारे अंदर एक कुंठा उत्पन्न करते हैं और वो कुंठा से व्यक्ति के अंदर आक्रामकता उत्पन्न होती है। तो कैथारसिस क्या चीज है, जो आपकी दमित भावनाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको निकालना, निकालना मतलब उनको जोर जोर से बोलकर निकालना, ठीक है। कई बार आप करते हो ना, क्लास छुट्टी देना एक करते बड़ा सा सांस लेके छोड़, वो भी कैथारसिस है। आप इतने दिन रोक रहे, किसी मास्टर ने आपका गला नहीं पकड़ा था, सांस रोक रखा, लेकिन आप तरुआ सांस छोड़ते हैं कई बार। तो यानी कि इससे भी कैथारसिस की प्रक्रिया से भी व्यक्ति के अंदर आक्रामकता को रोका जा सकता है, कम किया जाए। क्लियर हो गया आपको, वो इसमें अभी तक कोई डाउट का प्रश्न नहीं है ना, अगर हो तो बता देना। चलो नेक्स्ट, दर्द ऑफ कैंसर, थप्पड़ दर्दों के लिए कोई आक्रामक है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हालांकि दंड की जो प्रक्रिया है, आपराधिक न्याय प्रणाली, जजिस जो जुडिशियल सिस्टम हुआ है ना, उसमें इसका इस्तेमाल होता था, कारावास दे दिया किसी को, किसी को फांसी की सजा होगी, ऐसे ऐसे जो दंड दिया जाता है वो एक आक्रामकता को कम करने का भी एक अच्छा साधन है। और मनोविज्ञान में इसको प्रतिशोध सिद्धांत के रूप में जाता है, रिट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है रिट्रीब्यूशन, मान लिया जाए कि जब आप देखो कि फर्स्ट टाइम क्लास में जब आप आते हो और बीए फर्स्ट ईयर की क्लास पहली बार बच्चे आए, मुझे रोक दरवाना है, तो क्या करना होगा, एक गेट अप नाउ, दूसरे बच्चे पीछे होते हैं, होता है ऐसा, इट इज देयर। आप बहुत सारी भीड़ होती है उसमें, एक आगे टीचर चिल्ला देगा उसे, कुछ भी नहीं किया जाए, कुछ भी नहीं किया, ये क्या होता है, इसका दूसरे बच्चे पर, यानी आप दूसरे देख कर सीख जाते हो। आपको वाले ये कहते कि कई बार इसको भी होता है, सारे सुन लेंगे, इट इज देयर। यही बात है कि दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं, यानी किसी को अगर दर्द दिया जाता है तो दे बिकम एन एग्जांपल फॉर अदर्स कि आप ऐसा काम करोगे तो भी आपको ऐसा ही दंड देगा, ऐसे आक्रामक होकर ऐसा। नेक्स्ट देखो, ये देखो नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना। मैं एक बार इंटरनेट पे पेपर पढ़ रहा था, उसमें लिख रखा था कि हमारे अंदर मस्तिष्क में लगभग हर रोज 70,000 से ज्यादा विचार आते हैं। किसी ने तुक्का मार दिया और गिरता होना सही बात, इट इज वेरी टू काउंट, अगर हमने खुद काउंट करने लग जाएंगे तो कमाल की बात है, आप दिन अपने विचार काउंट करने लग रहे, विचार नहीं बंद हो जाए, ऐसा पंगा होता है। चलिए इसमें क्या बताते हैं, ये कि इतने सारे विचार आते हैं उसके अंदर हमारे अंदर नेगेटिव भावनाएं भी आती है, आक्रामक व्यवहार का कारण बनते हैं। वह कभी गुस्सा आता है, डर आता है, डर के बारे में भी आक्रामक हो सकते हो, आप हो सकते हो, अगर आपको कहीं डर लगता है उसके कारण में कहीं आप आक्रामक होते हो, अग्रेसिव होते हो, बताओ कोई एग्जाम्पल दो मुझे, भय के कारण आप आक्रामक हो गए, गुस्सा आ गया, हमारे साथ बहुत बार ऐसी घटनाएं होती है। आप जब अकेले चलते हैं काली रात में, चलिए शोर बिजरा ही सर अंधेरी रात, आगे बोले बिल्कुल काली श्या रात, अमावस की रात, रात ही पंजे बाद जत रात, कुछ कीड़े चू चू कर रहे और जंगल की रात से आप अकेले हो जाते, वहां पर कोई पत्ता मिलता है तो वे वैसे चल जाते, तो क्या होता है एक्टिव हो जाते और हम उठे वहां हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में एक बकरी के बच्चे को एक तेंदुआ उठा ले गया। हम लोग बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते इस चीज को, लेकिन वो जो महिला थी जो बकरियां पालती थी उसके लिए बहुत वैल्यू नहीं पड़ती, स्मॉल बेबी था वो, सी रैन बिहाइंड द लेपर्ड, तेंदुए के पीछे भागी, उसको छुड़ा के ले गई, उसको भय था बट सी बिकम सो अग्रेसिव, उसके सामने तेंदुआ मतलब कुछ झुक के सामने बच्चा देखा था वो भी बकरी का, ऐसी इसे बैठो, इसलिए अगर आक्रामकता को हमें रोकना है तो क्या करना होगा, इन
नकारात्मक विचारों से हमें दूर रहना होगा। तो आक्रामकता को रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या चीज होती है, आप समझ रहे हो, आपकी विचार प्रक्रिया को भी बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। आपने देखा ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर आपके सामने कोई बोल दे तो योर लाइफ चेंजेस, आपका जीवन बदल जाता है। हुआ कभी ऐसा? चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो आपने सुसाइड के ऊपर देखे तो अपने शरीर के बेल्ट बांध देते, बेल्ट फिर अपने आप को उड़ा देते, नहीं देखे आपने? अरे टीम देखी होगी, चलो पड़े तो हो गए, पड़ा तो था, हम तो मरने ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, हाँ नहीं बात, कोई नहीं, ऐसा बात मना लेंगे। क्या है कि ये लोग मात्र इस प्रक्रिया के माध्यम से उनके विचारों के अंदर इतना परिवर्तन कर देते हैं कि वो अपने आप को भी मारने को तैयार हो जाते हैं। इसका अपोजिट भी होता है, अगर आप किसी के अंदर विचारों की प्रक्रिया में संशोधन कर दो तो आक्रामकता अपने आप कम हो जाएगी। देखो बहुत बार बताएंगे आपको कि अगला पॉइंट स्वयं से बात करना है, करते हो स्वयं से बात? हाँ बिल्कुल, करते हो, अकेले होते हैं। दो चीज होती है, इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच, एक इंटरनल डायलॉग बोलते हैं, मोनोडायलॉग बोलते हैं, अपने आप से बैठे बात कर रहे हैं। एक ऐसा भी होता है कि बोल भी रहे हैं, कोई है लेकिन अपने आप से बात करते हैं, वो बात है स्वयं से बात करना। ये पाया गया है कि जो बच्चे स्वयं से बात करते हैं दे आर लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। तो अपने आप से बात करना शुरू कर दो, लेकिन लोग कभी पागल करना शुरू करते हैं, इट इज देयर होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, हम ज्यादा ले जाएंगे। स्वयं के तरीके से समस्याओं का हल खोजना, कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर किसी व्यक्ति को उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसको फ्री छोड़ दो आप ना, तो उसके अंदर उस प्रॉब्लम में कार्ड होने वाली आक्रामकता अपने आप कम हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखो, आक्रामक व्यवहार से होने वाले परिणामों को जानना बड़ा इंपोर्टेंट है। अगर आप कोई आक्रामक व्यवहार करने जा रहे हो, कोई आपको बता दे, शीशा दिखा दे कि ये होगा, ये कर दिया था, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, 20 किक मार ली, गर्मी का महीना खूब जून का महीना, फिर क्या करोगे? किक मार लो, जैसे आप किक मार लगोगे भाई रुक जाओ भाई, किक मार पैर टूट जाएगा, ध्यान रखिए भाई, होगा फिर हाँ फिर अग्रेसिव क्या हो गया ना, यानी कि समझ ये परिणामों को जाना, जटिल कार्य में शामिल होना। अगर कोई व्यक्ति आक्रामक है उसको जट कर लिया उसके से पढ़ा सुना आक्रामकता भूल जाएगा, कोशिश करके देखना। चाहिए अपने साथ के साथ करना, प्रिंसिपल सर के साथ मत करते सर, कुछ और आपको सर पढ़ा सुना कमजोर के डॉग, जरूरत पड़े तो माफी मांगो, अपोलॉजी सीकिंग, ये भी है। जो व्यक्ति जल्दी से माफी मांग लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर होते हैं, इसका मतलब आंतरिक रूप से ज्यादा ताकत। ये सारे कुछ हस्तक्षेपी व्यवहार है जो कि आपके इसको कम करते हैं, आक्रामकता को यानी कि अग्रेसर को ये कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक कौशलों का प्रशिक्षण, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट एक सामाजिक कौशल होते क्या है, है ना, सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स क्या होती है, कुछ लोग आप देखेंगे कि बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, उनका जो व्यवहार करने का तरीका होता है समाज में लोग उसको पसंद करने लगे। ये देखो इसकी खास बात क्या होती है, जिन व्यक्तियों में सामाजिक कौशल ज्यादा अच्छा होता है उनके अंदर आत्मविश्वास ज्यादा होता है और आत्मसम्मान उनका बढ़ जाता है, क्योंकि वो बात करने का पता होता है, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट। आप जैसे आप जितने सारे बैठे आओगे यहाँ खड़े बोले भाषण बोलो, कुछ तो आएगा नहीं, नहीं सर जाते रहे करें तो आगे बोल देंगे आने को चले जाए, आप देखो यानी उसका फिर उसको पता चल जाएगा, हाँ मेरी प्रशंसा लड़कियां भी कर रही है, तुम्हें भूल जाएगा आत्मसम्मान बढ़ेगा, तो आत्मविश्वास ये चीज सॉरी तद्रुभूति मैंने बताया वाली इम्पैक्ट थी, मतलब अपनी और दूसरों की जो भावना है ना फीलिंग्स है उसको समझना और महसूस करना तद्रुभूति कहलाता है। ये अगर जिसमें है ये भी सामाजिक कौशल होता है, ये जिसमें है उसके अंदर आक्रामकता को
होता समझ ना, आपके साथ बहुत बार समस्या होती है, आपने फोन किया किसी दोस्त उठाई नहीं रहा, दोबारा किया नहीं उठा रहा, गुस्सा करो क्या है मेरा फोन उठा सकता, लेकिन आप ये समझो कि ऐसी किसी स्थिति में वो फंसा हुआ है जहां पर उठा नहीं पा रहा, अगर ये बात आपको समझ आएगा तो कोई नहीं मार, लेकिन नहीं क्या लोग गुस्सा करते क्या है लोगों को इतना काम है फोन उठा सकते, अरे क्या पता उस समय वो मुंह धो रहा होगा दाढ़ी बना रहा ब्रश कर रहा हो फिर थोड़ी आपको ये है कदम होती, लेकिन आज के समय आप देखो बहुत लोग गुस्सा कर लेते हैं फोन को पड़े देते हैं कि मेरा फोन उठा, और जैसे फोन उठाया वो कहेंगे वो क्यों उठाया अरे उठा कर रखा समझ ना, अगर जिसमें कदम होती है ये भी एक सामाजिक कौशल होता है, आपके वक्त अपने आप में आगे देखो सौहार्द स्थापन अच्छे संबंध सौहार्दपूर्ण संबंध और पारस्परिक संबंध जैसे अंतर क्रियात्मक सामाजिक कौशल को उदाहरण है पारस्परिक संबंध, ठीक है यहां पर एक बात करें हम यही तक पढ़ेंगे नोट करें पीछे नहीं पागल देखो मौखिक और गैर मौखिक, गैर मौखिक होती है बॉडी लैंग्वेज, मौखिक तो पता ही ना बोल के, और बॉडी लैंग्वेज से सामाजिक कौशल डाउट हो कोई दोबारा बताना हो कोई उदाहरण आपको नहीं समझ आया मैंने, ठीक है।